ओके तो हेलो गाइस, फिर से आ चुका हूँ नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कुछ इसी प्रकार का एडिटेड वीडियो एडिट करने वाले हैं, तो एल्बम वीडियो एडिट करने वाले जो कि इंस्टाग्राम में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरह का नया स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो मतलब वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और इसी तरह का नया स्टेटस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात बता, आप लोग मतलब पहले जो मतलब वीडियो मतलब स्टेटस जितना दूर उतना ही वीडियो देखते हो, उसके बाद वीडियो नहीं देखते हो, है तो ऐसे मत करो भाई, फुल वीडियो देखो। फुल वीडियो देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोग बोल रहे हो मतलब वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट मतलब लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप लोग फुल वीडियो देखो तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। ओके, तो इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम ही इलाइट मोशन। ठीक है, तो इलाइट मोशन ऐप का लिंक हमने टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम पर जाके आप लोग वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या तो टेलीग्राम जाके सर्च करना टेक्निकल सोयल लिखे तो मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, इलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ नया वर्जन, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे दो प्रोजेक्ट शो होगा, एक है सॉन्ग बीट मार, दूसरा है सेकी बेट। ठीक है, तो दोनों प्रोजेक्ट का प्रीसेट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वो आप लोग अच्छे से देख लेना कैसे है, मतलब वीडियो फुल देखो तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे आप लोग मतलब सॉन्ग बीट मार और सेकी बेट कैसे आप लोग इंपोर्ट करोगे। ठीक है, तो आप लोग तो इंपोर्ट करना, नहीं तो XML फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को इंस्टाग्राम या तो टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद सॉन्ग बीटर का को सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ आधा काम यहाँ पे करके दूंगा, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोटो ऐड करना, तो फोटो ऐड करने के लिए फोटो का आपको सबसे पहले रिसाइज करना है। ठीक है, तो रिसाइज करने के लिए कितने कितने फोटो का आपको रिसाइज करना है, सबसे पहले मतलब आपको यहाँ पे प्लस के 4:5 को 4:5 में आपको मतलब 8 फोटो को मतलब आपको रिसाइज करना। एग्जाम्पल के लिए हम किस कैसे रिसाइज करोगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, करने के बाद इस तरीके से जूम करना, मैं पहले से ही करके रखा हूँ इसलिए मतलब ठीक ठाक है। इसके आपको इस तरीके से कर लेना, इसके बाद इस तरीके से PNG यहाँ पे एक्सपोर्ट करना, इस तरह जाके यहाँ पे करंट फेमस PNG पे सेट करके एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेम प्रोसेस में 8 फोटो को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर से प्लस के ऊपर प्रेस करना है, 9:16 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ फोटो को जिस फोटो मतलब वीडियो एडिट करना चाहिए उस फोटो को मतलब कुछ फोटो को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करके मतलब 9:16 में क्रॉप कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस में आपको इसी तरीके से ही कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट बटन पे यहाँ पे टैप करके मतलब करंट फेमस PNG पे एक्सपोर्ट बटन में एक्सपोर्ट बटन टैप करके अपना वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, फोटो को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब आपको कुछ फोटो को एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद मतलब फोटो ऐड करना है, तो फोटो मतलब वीडियो एडिट करना है। वीडियो एडिट करने के लिए आपको यहाँ से जाना है, मतलब ग्रुप 1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप 1 पे टैप करना है, ग्रुप 1 पे टैप करने का एडिट ग्रुप में जाना है। ठीक है, एडिट ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे एक से ग्रुप 1 से मतलब ग्रुप 8 मिलेगा, तो सभी ग्रुप पे यहाँ पे टैप करना, ग्रुप 1 पे टैप करना है यार। यहाँ पे सभी ग्रीन PNG लिख के आएगा, यहाँ पे आपको इसी तरीके से मतलब जो फोटो आप लोग 9:16 में मतलब 4:5 में मतलब किया था उसी फोटो को ऐड करना है इसी तरीके से। ठीक है, सेम प्रोसेस में आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस में उसी फोटो को मतलब एक ग्रुप में सेम फोटो को ऐड करना है। ठीक है, मतलब एक ग्रुप पे आपको सेम फोटो को ऐड करना है, जितना भी मतलब ग्रीन स्क्रीन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जितना भी ग्रीन स्क्रीन है एक ग्रुप में, ग्रुप 1 में जितना भी ग्रीन स्क्रीन है सभी ग्रीन स्क्रीन के आपको सेम फोटो एक ही फोटो को ऐड करना है इसी तरीके से। ठीक है, देखो सभी ग्रीन स्क्रीन में एक फोटो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको बैग जाना है। ठीक है, बैग जाने के बाद मतलब यहाँ का मतलब ग्रुप 1 का काम कम्प्लीट हो गया। ठीक है, वहाँ पे इमेज 2 लिख के आएगा, इमेज 2 भी इसी तरीके से टैप करना है। एडिट ग्रुप में जाना है, एडिट ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी इमेज यहाँ पे आएगा। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे भी आपको सेम
4:5 में जितने भी फोटो ये एक्सपोर्ट किया था उसी फोटो को एक एक करके आपको इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। फिर से भी यहाँ पे भी सेम फोटो को आपको ऐड करना है, सेम फोटो को, ठीक है। वेट सॉरी 4:5 में जितने भी फोटो सिलेक्ट किया था, ठीक है, ये देखो ऐड हो गया। तो इसी तरीके से आप मतलब सभी मतलब इमेज के लेयर में 1 से लेकर 8 तक सभी इमेज के लेयर में आपको फोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो वेट में ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सभी इमेज के लेयर में हम लोग इमेज को ऐड कर लिया, मतलब फोटो को ऐड कर लिया, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस में फोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद इस ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया। आप देख लो यहाँ पे सारा फोटो ऐड हो गया और बहुत ही वॉसम सा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब यहाँ पे इमेज लिख के ग्रीन स्क्रीन मिलेगा बहुत सारे, ठीक है। तो ग्रीन मतलब यहाँ पे इमेज लिख कर इस इमेज को टैप करना है। टैप करने के बाद कलर फील्ड में जाना है, यहाँ पे टैप करके कोई भी एक फोटो मतलब जिस फोटो को आप लोग 9:16 में रेजोल्यूशन में क्रॉप किया था, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम ये वाला फोटो या तो ये वाला फोटो को इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। इसी तरीके से ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद सेम फोटो को दूसरे वाला यहाँ पे इमेज के लिए यहाँ पे सेम फोटो को ही आपको ऐड करना है, ठीक है। मतलब इसी तरीके से सेम फोटो ऐड करना, मतलब एक कलर हैगा और एक व्हाइट हैगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर से मतलब इमेज के लेयर 2 मिलेगा। यहाँ पे भी सेम आपको इमेज के लेयर पे टैप करना है, यहाँ पे कलर फील्ड में जाके यहाँ पे जाके कोई भी और दूसरा वाला कोई भी एक फोटो को एग्जांपल ये वाला फोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर से आपको और भी एक इमेज के लेयर मिलेगा, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस में सेम फोटो को ऐड करना है, ठीक है। इसी तरीके से सेम फोटो को ऐड करना है, मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे मतलब पहले वाला पे जो फोटो ऐड किया दूसरे वाला पे भी सेम फोटो ऐड करना है। उसके बाद फिर से और लेयर मिलेगा, वहाँ पे भी कुछ और फोटो आप लोग ऐड करना, उसके बाद जो लेयर मिलेगा सेम फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद फिर से आपको मतलब 2 इमेज के लेयर मिलेगा, ठीक है। इस इमेज के लिए और दूसरा वाला फिर से और भी इमेज के लिए मिलेगा। तो इस इमेज को टैप करना है, कलर फील्ड में जाना है, यहाँ पे टैप करके कोई भी एक फोटो मतलब जो फोटो आप लोग 9:16 रेजोल्यूशन पे सिलेक्ट किया था एग्जाम्पल ये वाला फोटो, ठीक है, ये वाला फोटो और फिर से दूसरे वाला इमेज के लिए कलर फील्ड में जाके कोई भी एक एग्जाम्पल कोई भी फोटो आप चूज कर सकते हो जिस फोटो को आप लोग 9:16 में क्रिएट करा था, ठीक है। इसी तरीके से चूज कर लेना, ठीक है। तो चूज करने के बाद आपको फिर से मतलब इमेज की लेयर पर इस इमेज की लेयर पर कलर फिल्म में जाके इस पे कोई भी एक फोटो 9:16 में जिस फोटो को सिलेक्ट किया था उसी फोटो को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्निकल सोहेल और नीचे और भी एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्रुप को टैप करना है, ग्रुप को टैप करना है, एडिट ग्रुप में जाना है। एडिट ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे और भी ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इमेज के लिए एक लेयर मिलेगा, तो सबसे पहले इस इमेज को लेयर पे टैप करना है। टैप करने के बाद कलर फील्ड में जाके यहाँ पे कोई भी एक फोटो जिस फोटो आप लोग 9:16 में सिलेक्ट किया था, ठीक है, कोई भी एक फोटो आपको इसमें चूज करना है, ठीक है। बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड का फोटो है, ठीक है, कोई भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर से और भी एक ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप को टैप करना है, ईड ग्रुप में जाना है, यहाँ पे उसके नीचे एक इमेज क्लियर पे टैप कलर फिल्म में जाके कोई भी एक 9:16 में कोई भी फोटो का कोई इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको बैक जाना है, फिर से ग्रुप 2 मिलेगा। ग्रुप 2 में भी आपको कुछ और फोटो ऐड करना है, यहाँ पे टैप करना है, इमेज क्लियर मिलेगा नीचे, उस इमेज क्लियर पर टैप करना है, कलर फिल्म में जाके कोई और भी एक फोटो जिस फोटो में आप लोग वीडियो एडिट करना चाहते हो, ठीक है, 9:16 में सिलेक्ट किया था उसी फोटो को आपको इस तरीके से ऐड करना है, देखो, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर से आपको मतलब इसका काम कंप्लीट हो गया, इस ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, देखो बहुत ही ऑसम सा लग रहा है, देखो बहुत ही ऑसम सा लग रहा है, ठीक है, ये देखो। उसके बाद आपको फिर से मतलब और भी एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना ऑसम सा लग रहा है। उसके बाद फिर से सेम पर तरीके से फिर से आपको एक ग्रुप मिलेगा, इसी ग्रुप को फिर से टैप करना है, ठीक है। ग्रुप पे टैप करने के बाद सेम प्रोसेस में आपको यहाँ पे कोई भी एक फोटो को एग्जांपल के लिए कोई भी एक फोटो जो फोटो का आपने 9:16 में क्रिएट किया था कोई एक फोटो इस तरीके से चूज करना है, ठीक है। चूज करने के ये वाला बैकग्राउंड का फोटो हो गया। उसके बाद ग्रुप 1 मिलेगा, ग्रुप 2 मिलेगा, ठीक है। तो ग्रुप 1 को इस तरीके से टैप करना, एडिट ग्रुप में जाना, इमेज के टैप करना, कलर फिल्ड में जाके सेम प्रोसेस में कोई भी एक फोटो आप लोग जो उस फोटो में वीडियो एडिट करना चाहते हो उसी फोटो को आपको ऐड करना है, ठीक है, जो फोटो आपने 9:16 में क्रिएट किया था। उसके बाद बैक जाने ग्रुप 2 को टैप करने, 2 को टैप, एडिट ग्रुप में जाने के बाद इमेज लिख के आएगा, इमेज के लिए टैप करके सेम प्रोसेस में आपको फिर से कोई भी एक फोटो को ऐड करना है, ठीक है। ये वाला फोटो को इस तरीके से ऐड करना है, ये वाला फोटो में आप जिस भी फोटो में वीडियो एडिट करना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप बॉय हो तो बॉय का फोटो भी ऐड कर सकते हो, गर्ल हो तो गर्ल का फोटो भी ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर से आपको सेम प्रोसेस में और भी एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है, और भी एक ग्रुप मिलेगा, जैसे कि ये वाला ग्रुप, ठीक है, लास्ट इसको भी इस तरीके से टैप करना है। सेम प्रोसेस में आपको
सभी फोटो को जो भी आप फोटो को जिस तरीके से ऐड कर रहे थे उसी तरीके से आपको ऐड करना है। ठीक है, ये वाला फोटो को बैकग्राउंड कलर के चूज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सॉरी बैक हो गया बहुत ही। ठीक है, फिर से इस तरीके से टैप करना है, ग्रुप वन मिलेगा, ग्रुप वन को टैप करना, एडिट ग्रुप में जाना है, एडिट ग्रुप में इमेज लिख करेगा, इमेज लिख कर कलर फिल में जाके कोई भी एक फोटो जिस फोटो को लाइन इज टू 16 में सिलेक्ट किया था, ठीक है, उसी फोटो को टैप ऐड करना है, जिस फोटो को आप लोग 9:16 में क्रिएट किया था उसी फोटो को ऐड करना है। ठीक है, फिर से आपको ग्रुप टू मिलेगा, ग्रुप टू को टैप करना, इमेज के टैप करना, कलर फिल में जाके सेम फोटो को कोई भी एक फोटो को ऐड करना। ठीक है, जिस फोटो में वीडियो एडिट करना चाहते हो सेम फोटो को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड करने के बाद मतलब इसका काम फुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप चाहो तो मतलब एक बार प्ले करके देख सकते हो, और नहीं चाहो तो मतलब और मतलब यहाँ पे मतलब फोटो में और भी एक इफेक्ट है, मतलब जो बहुत ऑसम लग रहा है कि और लगता है, उस इफेक्ट को ऐड करने के लिए मतलब एच आर डिफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको बैक जाना है, सेक इफेक्ट को ओपन करना है। ठीक है, सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है, सेट इफेक्ट को ओपन करने के बाद ये फोटो के ऊपर जो तीनों लेयर मिलेगा मतलब टेक्निकल सॉल्यूशन के तीनों लेयर को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, प्लस की लेयर पे जाके कॉपी थ्री लेयर करना है। ठीक है, कॉपी थ्री लेयर करने के बाद आपको बैक जाना है, सॉन्ग बिटमार्क को ओपन कर लेना है। ठीक है, सॉन्ग बिटमार्क को ओपन करने के बाद मतलब सबसे पहले से ही मतलब वीडियो को पहले से आपको इफेक्ट को इस तरीके से पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद वीडियो को लास्ट में जाना है, यहाँ पे टैप करके इस तरीके से सभी तीनों लेयर को इस तरीके से मतलब बड़ा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से तीनों लेयर को आपको इस तरीके से सेम प्रोसेस में बड़ा कर लेना है। ठीक है, सॉरी, तो बड़ा करने के बाद देखो मतलब वीडियो मतलब बहुत ही एच आर डिफेक्ट ऐड हो गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग ऑफ कर देना। ठीक है, ऑफ कर देना तीनों लेयर को, तो वीडियो फुल रेडी हो गया। आप चाहो तो एक बार प्ले करके देख सकते हो, और नहीं चाहो तो एक्सपोर्ट बटन मिलेगा, एक्सपोर्ट बटन टैप करना है, यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करना है, वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद एरो बटन मिलेगा, एरो बटन पे जाना, 720p HD को सिलेक्ट करना। ठीक है, 720p HD को सिलेक्ट करना, फुल रहेगा रेडिएशन कर करके इसको मतलब क्वालिटी को 10 MB मतलब कर लेना 10 MB के मुताबिक, उसके बाद एक्सपोर्ट बटन पे टैप करके वीडियो को आपको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर से एक नया वीडियो में, तो उसके लिए टेक केयर, बाय बाय। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को फुल अच्छे।